हम आनंद की गवाही को सुनेंगे, आनंद की गवाही को सुनेंगे कि आनंद आनंद पूरे पूरे दिन वो पबजी, एक जो गेम है, वो पूरे पूरे दिन उस पबजी को देखता था, जिसके चलते उसके माइंड पर, उसके शरीर पर काफी असर पड़ चुका था और उसके परिवार वाले बहुत प्रॉब्लम में चले गए थे और वो लड़ाई झगड़े करता था, क्रोध करता था और उसका वेट कम से कम 100 किलो हो गया था। आनंद हमारे बीच में आ जाएगा। 100 किलो उसका वेट हो गया था और वो उम्र का ज्यादा नहीं है तो लोग उसको अंकल जी कह के पुकारते थे। तो एक दिन वो अपने ऑफिस में था तो उन्होंने बोला कि आपको मैं कितने साल का लगता हूँ, तो वो बताएगा शायद 58 या 48 के लगभग उन्होंने बताया कि 38 के आप लगते हो। तो वो बड़ा परेशान सा हो गया, लेकिन और 21 साल इसकी उम्र है, इसका वेट 100 किलो हो गया था, पर प्रभु प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने उसको उसका वेट लूज हुआ और प्रभु ने इसको एक हैंडसम बॉय बनाया। हालेलुया, तो जोर से ताली बजाएंगे इसके लिए। आपको लगता है कि ये 100 किलो वेट का है, आपको लगता है कि 38 का या 48 का है? लोग इसको अंकल जी कह के पुकारते थे। आप सोच सकते हैं कि 20 साल के लड़के को या 21 साल के लड़के को कोई अंकल बोले तो कैसा लगता है, पर प्रभु ने इसके वेट को लूज किया। हम प्रभु का बड़ा धन्यवाद देते हैं। और इसके पेट में काफी इन्फेक्शन हो गया था जिसके चलते अच्छे से खा नहीं पाता था और इसको जलन होती थी इसके पेट में, घबराहट इसको होती थी, लेकिन प्रभु के दास से प्रार्थना करवाई थी इस भाई की ब्रदर की मम्मी ने और प्रभु के उसी घड़ी परमेश्वर के आत्मा ने इसको छुआ, आजाद किया और इन्फेक्शन इसके रिपोर्ट में आया था। प्रभु ने उस रिपोर्ट को भी पूरी रीति से नॉर्मल किया। ये बड़े परेशान हो गए थे और डॉक्टर ने इसको फिर से दोबारा एडमिट करने के लिए बोला था, लेकिन इन्होंने कहा कि हम एडमिट नहीं होंगे, मैं पहले अपने बेटे के लिए प्रार्थना करवा लेती हूँ। जैसे ही इसकी मम्मी ने प्रार्थना करवाई, रिपोर्टें बदल चुकी थी यीशु के नाम में। हालेलुया। और इसकी एक और गवाही है कि इसके पास कोई जॉब नहीं थी और एक इंटरव्यू था जिसको ये इंटरव्यू देने के लिए गया था, वहां पे 10 लोग थे और 10 लोगों में से इसका ही सिलेक्शन हुआ। हालेलुया, 10 लोगों में से इसका सिलेक्शन हुआ और परमेश्वर ने इसको एक ऊंचे पद पे बिठाया है और एचआर का इसका कोई काम है जो ये करता है और इसको 10 दिन के टेलर पे रखा था, पर जैसे इसके 10 दिन कंप्लीट हुए इसने सोचा कि अब तो शायद मैं हट जाऊंगा, लेकिन प्रार्थना हुई, परमेश्वर ने इसको उस जगह से हटने ही नहीं दिया। हालेलुया, और इसको ऊंचा किया। आज ये सारे कामों को करता है, बड़े अच्छे से करता है। हम प्रभु का बड़ा धन्यवाद देते हैं। हाँ जी, एक बार बताएगा कि वो क्या काम करता है। सबको जय मसीह की। मेरा जॉब एचआर एंड एडमिनिस्ट्रेशन का है, इसमें सब जॉइनिंग से लेकर बड़ी अच्छी गवाही के लिए कि परमेश्वर ने इसको उस पबजी गेम से भी बाहर निकाला और इसको डर का आत्मा इतना था कि ये अकेले घर में नहीं रह सकता था। इसको इतना डर लगता था, अंधेरे से डर लगता था, इसको अपने मम्मी बहन पापा के साथ रहना इसको अच्छा लगता था, लेकिन परमेश्वर ने उस डर की आत्मा से इसको फ्री किया। हालेलुया, हालेलुया। एक आत्मा है जो लोगों को आगे बढ़ने से रोक देती है, पर परमेश्वर इसको पूरी रीति से फ्री किया। आज स्वस्थ है, भला चंगा है, अच्छे से खाता है और अच्छे से रहता है। हालेलुया। हाँ, ये झगड़ा करता था, इसका मुंह कहता था कि मेरा लाल हो जाता था और परमेश्वर उस क्रोध की आत्मा से इसको आजाद किया। हालेलुया, बहुत सारी आत्माओं से परमेश्वर इसको आजाद किया। आज ये स्वस्थ और भला चंगा, प्रभु की महिमा अद्भुत रीति से भाई के जीवन से होती रहे।